स्पेस, फीचर, फंक्शन और प्राइस सभी में ये गाड़ी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो के VXI प्लस वेरिएंट की। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका इंटीरियर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। फैब्रिक्स इसमें आपको सीट मिल जाती है, फिक्स हेडरेस्टर इसमें कंपनी द्वारा आपको मिलता है। जहां तक इसके इंटीरियर की बात करते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा ब्लैक कलर का इसमें आपको प्रीमियम इंटीरियर देखने को मिल जाता है। जहां तक हम इसके स्टीयरिंग की बात करते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स, स्टीयरिंग आपको इसमें पावर स्टीयरिंग मिल जाता है। यहीं पर आपको कंट्रोलिंग सिस्टम मिल जाता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के द्वारा। जहां तक इसमें सेफ्टी की बात करते हैं तो आपको ड्यूल एयरबैग इस गाड़ी में मिल जाते हैं ड्राइवर और पैसेंजर सीट पर। यहीं पर इसमें आपको वाइपर के कंट्रोलर और हेडलाइट्स के कंट्रोलर भी मिल जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आपको की इंसर्ट का ऑप्शन मिलता है। जहां तक इसमें हम नए फंक्शन की बात करते हैं तो आइडियल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी और ORVM को आप लेफ्ट और राइट साइड का यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको AC का वेंट मिल जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, 7 इंच का इसमें आपको स्मार्ट प्ले स्टूडियो मिलता है, जिसमें आप FM, मीडिया, फोन और कनेक्ट सारी चीजें कर सकते हैं। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सिस्टम, यहीं पे आप टाइमिंग वगैरह भी देख सकते हैं। पावर विंडो की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको फ्रंट टू डोर ही पावर विंडो मिलती है, बीच में हैजर्ड लाइट मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो ये देखिए दोस्तों, इसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें आपको एवरेज वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है। बीच में आपको सेंटर कंसोल यहाँ पर मिल जाता है। AC की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स, इसमें आपको मैनुअल AC मिलता है। जहां तक इसमें हम एक्स्ट्रा यूटिलिटी की बात करते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट और ऑक्स और USB का सॉकेट भी यहाँ पर आपको मिलता है। यहाँ पर आपको दो बोतल होल्डर और ये देखिए दोस्तों, 5 ट्रांसमिशन का आपको गेयरबॉक्स मिल जाता है। सॉफ्ट टच में ही आपको हैंड ब्रेक यहाँ पर मिलता है। यहाँ तक इसके एक शोरूम की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, आपको 5,49,000 रुपए की एक शोरूम पर एक बहुत ही बेहतरीन गाड़ी मिल जाती है। ऑन रोड आपकी सिटी के हिसाब से डिफरेंट हो सकती है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ड्राइवर और पैसेंजर सीट पर टिकट होल्डर मिल जाते हैं। यहाँ पर इसमें वैनिटी मिरर आपको नहीं मिलता है किसी भी प्रकार का। ये देखिए दोस्तों, केबिन लाइट आपको यहाँ पर मिल जाती है, ओनली आगे पीछे इसमें केबिन लाइट नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया गाड़ी आपको इस कीमत में देखने को मिलती है मारुति द्वारा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके स्पेस की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बैक डोर ओपन करने पर पावर विंडो इसमें आपको दो ही मिलती है, फ्रंट टू डोर आगे की पावर विंडो इसमें नहीं आती किसी भी वेरियंट में। अगर हम इसके स्पेस की बात करते हैं तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा स्पेस आपको इसमें मिल जाता है। हेड रूम, लेग रूम, शोल्डर रूम बहुत ही बेहतरीन इस गाड़ी में आपको कंपनी द्वारा दिया जाता है। आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि आप एक छोटी गाड़ी में बैठे हुए हैं। पीछे का स्पेस 3 लोगों के लिए काफी पर्याप्त इसमें आपको मिलता है। फ्रंट से देखने पर ये देखिए फ्रेंड्स, आगे का व्यू कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। ये दोस्तों, अब हम इसका फ्रंट लुक देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट से देखने पर आपको ये गाड़ी कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रही है। आपको ब्रेजा का एक छोटा रूप यहाँ पर देखने को मिल जाता है। SUV इंस्पायर्ड इस कार को हम कहते हैं। फ्रंट से ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल रही है। जहां तक इसमें आप हेडलाइट की बात करते हैं तो ये देखिए दोस्तों, इसमें आपको हेलोजन टाइप हेडलाइट्स मिल जाती है और इसमें आपको किसी प्रकार की फॉग लैंप लाइट नहीं आती है। DRL आप अलग से एक्सेसरीज में एड ऑन करवा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ब्लैक कलर का आपको कुछ अलग ही इसमें लुक देखने को मिल रहा है। बीच में S का सिंबल इसमें आपको मिल जाता है। बोनेट पर एक वॉशर और दो वाइपर कंपनी द्वारा ऑफर किए जा रहे हैं। जहां तक फ्रेंड्स इसके साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए दोस्तों, साइड से कुछ इस प्रकार से आपको एस्प्रेसो का लुक देखने को मिल रहा है। टायर साइज की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए टायर साइज इसमें आपको 14 इंच के फुल व्हील कवर के साथ में टायर मिल जाते हैं। जहां तक इसके इंडिकेटर की बात करते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, फेंडर पर ही इसमें आपको इंडिकेटर देखने को मिलता है। ORVM इसमें सेम बॉडी कलर मिल जाता है। डोर हैंडल भी इस वाले वेरियंट में आपको सेम बॉडी कलर ही मिलता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें स्केडिंग आप अलग से एक्सेसरीज में एड ऑन करवा सकते हैं। जहां तक फ्रेंड्स इसमें हम सेंट्रल लॉकिंग की बात करते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक चाबी में आपको इसमें सेंट्रल लॉकिंग आता है, दूसरी चाबी सादी रहती है। चलिए फ्रेंड्स, अब इसका बूट स्पेस देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको
239 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जिसमें आप अपना एक्स्ट्रा लगेज कैरी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्पेस इस सेगमेंट की कार में आपको मिल जाता है। पार्सल ट्रे इसमें कंपनी द्वारा ही ऑफर की जा रही है। इसके नीचे वाले वेरिएंट में आपको पार्सल ट्रे नहीं आती है। ये देखिए फ्रेंड्स, रियर से देखने पर कुछ इस प्रकार से आपको लुक देखने को मिल रहा है। जहां तक इसमें हम इंजन सीसी की बात करते हैं, तो इसमें आपको 1000 सीसी K10 इंजन मिल जाता है, जिसके कारण पहले वाली एस्प्रेसो के मुकाबले इसका माइलेज इंक्रीज हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, रियर से देखने पर इसका लुक आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। बीच में एस का सिंबल, एस्प्रेसो की बैचिंग और सेफ्टी की अगर हम बात करें तो दो रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं। अट्रैक्टिव टेल लैंप इसमें आपको मिल जाते हैं। और हाँ, एक महत्वपूर्ण जानकारी, इसकी एक साइड में आपको ब्रेक लाइट देखने को मिलेगी, दूसरी साइड में इसमें लाइट नहीं आती है। फ्रेंड्स, जब भी आप रिवर्स लेंगे तो एक ही लाइट जलेगी पीछे की तरफ। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब हम इसके इंजन की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको इंजन कुछ इस प्रकार से इसमें मिलता है। पहले वाले इंजन के मुकाबले बहुत ही रिफाइंड इंजन आपको मिल रहा है, जिसके कारण इसका माइलेज आपका काफी इंक्रीज हुआ। ये देखिए फ्रेंड्स, सेफ्टी की अगर हम बात करें तो क्रम्पल जोन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो दोस्तों, एक कम बजट में बहुत ही अच्छी स्पेस के मामले में, फीचर के मामले में और प्राइस के मामले में बहुत ही बढ़िया कार मारुति द्वारा आपको मिल जाती है।